हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज की शुरुआत बड़ी ही उदासी के साथ कर रहा हूँ व्लॉग की, वो इसलिए क्योंकि भाई अभी बज रहे हैं 9, और 9 से पहले मैं ठीक था, खुश था, अपना फ्रेश व्रेश होके आया, मुँह मतलब फ्रेश व्रेश होके आया, हाथ वाथ धोए, चाय पी रहा था। अभी अभी जस्ट मेरी वाइफ उस कमरे से आई और मेरे को बता रही है मोहिनी मर चुकी है भाई। मैं एकदम शॉक्ड हो गया। देखो ये देखो, चाय पी रहा था, ये रखी मेरी चाय पी रहा था। मैं बोला यार मोहिनी मर गई भाई। कल उसको यार बिल्ली ने दांत मार दिए थे ना यहाँ पे यार, तो मैंने बचा लिया था उसको, और दांत लगे थे, मैं सोचा आज जाके इंजेक्शन लगवा दूंगा, और मर गई मोहिनी। देखता हूँ जाके उस कमरे में। यार ये तो यार बड़ी गड़बड़ हो गई, अभी मैंने देखा नहीं है भाई, मेरी वाइफ ने बताया, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ यार ऐसे कैसे मर सकती है मोहिनी। जाके कल इंजेक्शन लगवा देनी चाहिए। देखिए इंजेक्शन लगवा देनी चाहिए जाके कर ले, पूरी ऐंठ गई यार ये तो। रात को घास भी डाली थी इसके अंदर अपने। चल छोड़ो, अब गाड़ दी हो काकरे। यार उस बिल्ली पे इतनी गुस्सा आ रही है यार। कल यार उस बिल्ली से तो बचा लिया यार मोनी को, मैं सोचा चलो मोनी बच गई। सात आठ नौ नहीं, 4-5 महीने हमारे साथ रही मोनी, 4-5 क्यों ज्यादा, 6-7 महीने रही। और भाई अच्छा खासा खेलती थी, सुबह सुबह यहीं आ जाती थी इधर ही खेलने वेलने। मर गई यार सच में भाई, बहुत लगाव था यार मुनी से। क्या यार, मैं बिल्ली से तो बचा लिया उसको यार, वैसे नहीं बचा पाया वो। जब कल उसको पंजा लगा था ना बिल्ली से, तो कल ही मेरे को ना दुकान पे टीके लगवाने चाहिए थे उसके यार। चलो कोई ना, देखो भाई आप बोलोगे कि जानवर ही तो था, कोई नहीं, पर भाई मैं ना जब भी घर रहता था ना उसको परेशान करता था, खेलता था उसके संग, और भाई बहुत यादें जुड़ी थी, मतलब पूरे घर में ना हलचल रहती थी वो, मतलब कभी इधर खेलती थी कभी उधर, कभी मेरी वाइफ जब खाना बनाती थी तो परेशान करती थी मेरी वाइफ, मैं वो मेरी मम्मी जब सब्ज़ी लेके आती थी तो तुरंत आ जाती थी सब्जी वब्जी खाने, धनिया खाने, टमाटर वगैरह और जो भी प्याज व्याज सब खाती थी, बहुत यादें थी यार। कभी इतनी इतनी तेज भागती थी, कभी बैट पे चढ़ जाती थी इतनी जबरदस्ती बिना बताए, मैं इसको बैट से बार बार भगाता था। छोड़ो यार, मम्मी को ज़्यादा लगाव था उससे, चलो कोई ना होता है। अच्छा वैसे यार चाय पी रहा था यार, चाय भी नहीं पीऊँगा, जा रहा हूँ दोबारा देखने यार उसी कमरे में। कोई ना, दफनाए तुम्हें, दफनाए तुम्हें।
दफना दो। लेटरिंग करी पत्थरी पत्थरी लेटरिंग करी बंद जेयर का सर युद्ध वाके जलन मी चलन खुदेगा पे गाड़िया में अरे चलो गाड़िया में चलो अब रोन से कहा चिंता थोड़ी ना हुई है ना दादी मोहिनी मर गई मोहिनी कैसे और ऐसी रात रात में कोई जनावर कोई पालो सब खराब सब्जी लाती हूँ मम्मी सब परेशान करती थी तो पता नहीं क्या हो गया यार मम्मी तो भाई छोड़ ही नहीं थी उसको मैं बोल रहा हूँ चलो गाड़ी ले चलते हैं 15 मिनट से उसको ही लेके बैठी हैं वाइफ भी रो रही है छोटी वाली बहन कोमल भी रो रही है काजल भी रो रही है करते हैं फोन क्या यार कल इंजेक्शन लगवाने चाहिए दवा के है ना अब भाई उनको बुलाया है जिनके घर से मम्मी मोहिनी लाई थी जो हमारे वो हमारे गांव की हैं बुआ बुआ लगती हैं आ रही हैं वो पिछले व्लॉग में देखा होगा आपने वही थी उन्हीं के घर से आई थी तो भाई मम्मी तो उठी नहीं थी 20-25 मिनट हो गए और चूल्हा उल्हा सब उसी ने खतोया है ये देखो सब चूल्हे की ऐसी की तैसी उसने करी है घास इसकी इधर उधर पड़ी रहती थी कभी इधर बैठी रहती थी कभी पूरे आंगन में घूमती रहती थी सब भाई रो रहे हैं मेरी वाइफ बहन दादी भी रो रही है यहाँ तक की हो जाता है यार देखो यार प्यार हो जाता है भाई बेजुबान जानवर था यार अफसोस इस बात का रहा यार मैं उसको बचा नहीं सका अभी उन्हीं को फ़ोन किया है जिनके घर से नहीं थी ना मम्मी मोहिनी वो आ रही हैं तो बस वो देखेंगे फिर गाड़ देंगे उसको कहीं देखो जब मोहिनी को मैंने कल बचाया था ना तो मेरे बिल्ली के पंजे लगे थे एक ये लगा बिल्ली से ही बचाया था एक ये लगा ठीक है एक ये लगा और एक ये लगा देखो हाथ पे जरा हमारे संग बैठ जाती है रख दो जेवड़े रंग है सी किसे नहीं कर दियो जब मन जानो तो ये हटा दियो और जब मैं करके और अच्छे से ढक के और फिर नमक डाल के और फिर ढक दियो हाँ। गैरो गड्ढा कर दियो ठीक है थोड़ा नहीं थोड़ा अरे छोड़ दो मैं कोई ना दूसरी आई है दे दो दे थोड़ा तक चलो बाहर चलो बाहर चलो उठो खड़ी हो वो का
बना ले जियो चलो ठीक है चलो भाई चलो भाई मैं और काजल जा रहे हैं गार्डनिंग। तो चलो भाई अपने चाचा के संग यहाँ आगे पास की एक जगह है सीआरपी यहीं गार्डन में सब कुछ सामान लेके आ गए नोट की थाली भी लेके आ गए बहन भी आ गई। अब जगह ढूंढते हैं ऐसी जहाँ कुत्ते उत्ते ना खोद सके आसानी से। चलो भाई ये जगह देखिए चलो भाई इतना गहरा गड्ढा कर पाए मैं और अपने चाचा मिलके बड़ी मशक्क़त के बाद मैंने तो कम ही मेहनत करी है। तो नमक डालता है पहले नमक फिर ऊपर से बना निकाल दे ऊपर से रख दें कपड़ा नहीं इसको लपेट के नहीं 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 ऐसे रख दे मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान रख दे इसको गर्दन में मार रखे पंजे ऊपर चलो भाई मोनी को गाड़ दिया और बहुत सारे ईंटे पत्थर रख दिए ताकि कुत्ते उत्ते कोई उखाड़ ना पाए भगवान मोनी की आत्मा को शांति दे। गाड़ी आए तो भाई अब मैं जा रहा हूँ अपनी दादी को दवाई दिलाने और देखो भाई मेरी वाइफ बालों के पीछे पड़ गई मेरी बोल रही है बाल ठीक कर लो मेरे बाल ना घुंघरा लें यार कंघे से भी नहीं करेंगे ना ही करेंगे भैया काटो भाई मस्त तैयार हो गया हूँ और जा रहा हूँ दादी को दवाई दिलाने ना दादी चलो हाय 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 गुड मॉर्निंग बोलो यार गुड मॉर्निंग पापा। विराट के लिए एक बुरी खबर है विराट बड़ा होता ना तो मोहिनी से खेलता पर मोहिनी बची नहीं बोलो और कुछ लाने दूध ले ही बचाया काजल बहन को हाय। अरे गुस्सा क्यों कर रही देखो दवाई दिलाने जाना है मम्मी लेट कर देती हैं। चल रहे तुम तो ऐसे भूत से चल रहे तो अब ब्यूटी पार्लर मत करो करो मम्मी हाँ। अब और कहा अब तो दादी बन गई तुम हैं बुढ़ापो आई हो अब तुम पे तुमने कह दी तो ठीक है हाँ आज से ना करे हाँ मैकअप मत करो करो फिर तुम जाओ सब जाकर आया मैं तुम जाकर तुम्हारी मम्मी जवान लगती फिर जाकर आया तुम्हारी मम्मी बड़ी जल्दी बुढ़ापो आई फिर क्या करे जवान और बुढ़ापो सकल से ना हो दिल से होते तुम्हारी बातें से होते बुढ़ापा तो वैसे मेरे पे भी आ गया मैं पापा बन गया यार बाल भी सफेद होने लग गए मेरे ठंड भी मेरे को बहुत ज्यादा लगती है। मम्मी तैयार हो गई हैं हीरोइन बनके चलो मोनी का दुख अब गायब हो गया धीरे धीरे है मम्मी अबे याद तो आ दो कभी कभार चलो मेरी वाइफ को ना पड़ोस में एक लड़की है वो आंटी है उनकी बिटिया है काम करने आती है पसंद आ गई अपनी मम्मी से बोल रही देखो हाय बाबू हाय हमारी कोमल दीदी ने भी अपनी बहुत दिनों बाद मशीन निकाली है सिलाई वाली खराब पड़ी थी चले दादी तैयार हो गई और दादी के बारे में एक चीज बताता हूँ देखो दादी हैं तो पुराने समय से पर दादी से बोलो ना किसी को फोन लगा दो सबको फोन लगा सकती हैं दादी बिना सेव नंबर रखती हैं अपने फोन में और दादी को बोलो मेरा नंबर लगाने पापा का नंबर लगाने या किसी का भी सबका नंबर लगा देती हैं दादी में दिमाग है कोई दादी को हल्के में नहीं लेगा है दादी सबको फोन लगा सकती ना हाँ और दादियों को भी देखा है और जो बड़ी बुजुर्ग दादी होती है ना वो फोन नहीं चला पाती पर हमारी दादी फोन चला लेती है फोन कर लेती है फोन उठा लेती है और जिसको बोलो फोन लगाने को उसका लगा देती है। बहुत अच्छे हैं दादी सही बात है ना तुम्हारी बढ़ाई कर रहे
तुम समझदार हो ना इतनी। देख लो भाई नंबर सेव नहीं होते तब भी लगा लेती हैं, मानना पड़ेगा भाई दादी को। भाई आज काम पे भी नहीं जा पाया, अभी देखो 11:30 बज गए दिन के। अब काजल कुछ सामान लेके आ रही है। हाय, मेरा फोन का कैमरा जूम हो गया पर वो ब्लर हो गया भाई, ये बेकार हो गया फोन यार, सही से कैमरा इसका वर्क नहीं करता, कभी भी वैसा हो जाता है धुंधला। हाय छोटी दीदी, पता नहीं हमसे बोल ही नहीं रही यहाँ अक्सर। हाय छोटी दीदी, शाम टाइम ना रात में ना विराट साहब बोलो तो बुआ बोले थे, वो साफ बोलो तो बुआ। सबसे ज्यादा प्यार वैसे कोमल को ही करे विराट। हाँ। कोमल करती है सबसे ज्यादा वाको। हाँ। नेक बहु ऐसे कर गए। हाँ। मुंह तो लो लपजावे कोमल भाई तुरंत काजल ले रहे हैं कोरे आज। कोमल भाई जैसे ना विराट मुंह देता है कुछ भी कर देता है ना तो तुरंत पजामी कपड़े सब चेंज कर देती है, और सबसे ज्यादा कोमल ही खिलाती है मेरी वाइफ के बाद। मम्मी भी इतना नहीं खिलाती, ये कुछ नहीं चेंज करती। काजल चेंज करते है ना, कर देती काजल कम खिलाती है वैसे, चेंज कर देती है पर चलो रोजे रो दो तो चल चल चल। वैसे विराट की नजरों में सबसे ज्यादा अच्छी बुआ यही है। भाई दादी की तबीयत खराब है, दादी को ना गोदी उठा के ले जाऊंगा नीचे। स्कूटी है मेरे जो वो आए थे ना चाचा जिनकी मोहिनी थी उन्हीं की स्कूटी मांगी है, तो जा रहे हैं पापा की फैक्ट्री के पास दवाई दिलाने। चलो उठा के ले चलूंगा, दो मंजिल नीचे है ना, चल नहीं पाएंगी दादी। ताकत ले लेता हूँ शक्ति, ये भगवान मुझे शक्ति दो, जय श्री राम। मजाक कर रहा हूँ भाई यार, उठा लूंगा ऐसे ना, ऐसे ना। दादी को भगाए के ले जा रहे हैं, ठीक है चलो आ जाओ। देखो भाई काफी भारी है दादी, मैं तो सोच रहा था कम वजन होगा पर दादी में तो बहुत वजन है। टेंशन ना लो दादी, हम आपके साथ हैं। ओ भाई चलो चलो चलो, दादी गांव से आई थी ना तो चढ़ा के भी मैं लेके आ गया दादी को, ठीक है ना दादी। चलें मम्मी और दादी और मैं तीनों लोग जा रहे हैं, पहले दादी को बैठा दो भाई। अब मैं सीधा मिलूंगा डॉक्टर की दुकान पे। वही अच्छे से चलो भाई, अच्छे से दादी को दुकान पे ले आए। ये दुकान है तलाल क्लिनिक, ऑक्सीजन लग गया दादी को। बताऊंगा अभी एक टाइटनेस का टीका लगवा रहा हूँ, जो मेरे लगा था ना बिल्ली का पंजा, तो मैं भी लगवा लेता हूँ। डॉक्टर साहब को मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है, तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं टेटनेस का टीका लगवा लो, रिस्क नहीं लेना लगवा देते हैं। पिछवाड़े पे लगा रहे हैं, बहुत दिनों बाद लगवा रहा हूँ, थोड़ा सा दर्द होगा तो वही लेट गया, पिछवाड़े पे लगेगा। लगा दो ना, किन्ना पूजन नहीं किया तो भाव सागर को पार नहीं किया है, जिसने किन्ना पूजन किया उसने भाव सागर को पार किया। देखो भाई लाइफ में पहली बार ऐसे डॉक्टर साहब मिले जो इतने खुशनुमा है, मैंने आज तक इनके जैसे डॉक्टर नहीं देखे। मरीज बिना दवाई के ठीक हो जाएगा है अंकल, आपकी दुकान पे आके बुखार चेक करवा रहे हैं। हेलो भाई, हमको ना भैया दिख गए कचौड़ी वाले, खस्ता कचौड़ी वाले खाएंगे हम, खस्ता कचौड़ी ये मेरी फेवरेट है, और जहाँ भी मेरे को ऐसे भैया जैसे लोग दिखते हैं साइकिल वाले मैं ज़रूर खाता हूँ भाई, इससे भैया की बोनी बट्टा भी होगी और मेरे को अच्छी भी लगती है। वहाँ नहीं खाता, रोड पर ठेली वेली पर ही खाता हूँ ज़्यादातर। कहाँ गयो भाई, एक ही प्लेट लगवा रहे हैं, मैं और मम्मी एक ही प्लेट में से खा लेंगे 20 वाली, और दादी के लिए नहीं लगवा रहे क्योंकि भाई दादी के दांत नहीं है, तो दादी जैसे कुरकुरी चीज होती है ना ज्यादा हार्ड वाली चीजें वो नहीं खाती दादी। खा ली अब निकलते हैं भाई घर पे, बहुत मिर्च थी भाई देखी थी, भैया ने मिर्च डाली थी यार मेरे मना करने पे भी। चलो जी चलो बैठो,
बहुत दिक्कत हो रही है बैठने में, तीन लोग है ना स्कूटी में भाई, बहुत दिक्कत होती है। मैं देखो इतने पे बैठा हूँ, इतने पे बस। चलो भाई गोदी में ले चलते हैं, तब मैं फोन पकड़ो। चलें वन टू थ्री। चलो भाई हम तो अकेले चढ़ चढ़ तो जाते कहाँ पर लगत। चक्कर से आने को हो जाते हैं, बुढ़ापा आ गया ना, मैं भी बाप बन गया ना। हाय क्या हाल है भाई? थक गए यार, गोदी में लाई दादी भाई बहुत भारी है यार। आज तो काजल ने भी पूरे एक महीने बाद नहा लिया। रोज नहाते हैं, फिर भी शक्ल तेरी, इतनी बुरी है तो बुरी है तो है। कोमल ने भी एक साल से नहीं नहाया। अब जा रहा हूँ मैं भंडारा खाने, फैक्ट्री की तरफ कोई भंडारा हो रहा है सुनने में आया है, और भंडारे की सब्जी मेरे को अच्छी लगती है। चले कल भंडारा खाने को, मन लाए तेरे हैं पक्का? हाँ ना। ये देखो भाई कम जब मतलब होता है ना इसका तभी बोलती है ब्लॉग में, वैसे शकल छुपा के रखती है। चलो भाई मैं ना फैक्ट्री में ही भंडारा लेके आ गया, हमारे साथ एक भाई हो रहा है। तो भाई हम थोड़ा शर्मीले बंदे हैं, मैं थोड़ा पब्लिक में कम खाता हूँ भंडारा, यहाँ पे आराम से चैन से आराम से खाऊंगा। और अंधेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट गई हुई है हमारी फैक्ट्री की, और सारी लेबर भंडारा खाने में ही लगी पड़ी है। और ये रही मेरी मशीन। चलो जी शुरू करो। और भंडारा खा लिया और स्कूटी भी वापस करके आ गया जिनकी थी। और यहीं से देखो मेरी वाइफ इंतजार कर रही है। हाँ किस चीज़? ओह भाई काजल कुछ तो पार्सल लेके आ रही है, ये यही फ्री फंड के खर्चे करती रहती है, पास इससे होना नहीं है। देखते हैं क्या लेके आ रही है। मिस्टर क्या लेके आई हो? तो क्या कहते हैं बोला, देखो जी 512 का कुछ आया भाई माल, देखते हैं क्या है। चलो भाई ये आया है, किसने दे दीजिए ऑर्डर करने के लिए। दिखाई इन्हें हमें कचौरा तो कोमल ने दिखाई है, काजल ने, आज बोल के वादा किया गया। इतनी बड़ी अलमारी दिखाई थी हमें फ्रिज में फोन में। हाँ और कई स्टील की थी वह। अच्छा और उसमें ढक्कन लगाने वालों है तो हमने ठीक है कपड़ा सेफ बने रहे। मोहिनी के डर के मारे मंगवाया था ये, मोहिनी हमारे कपड़े काट देती है ना। अभी ये अलमारी बना रही है, देखते हैं कैसी बनेगी, दिखाते हैं आपको। पूरे भाई 10 मिनट हो गए अभी तक तो इसने कुछ बना के नहीं दिखाया। इसका कहना है ये अलमारी बनेगी जिसपे जूते वूते और कपड़े वगैरह रख सके। दोनों बहने लगी पड़ी हैं कुछ ना कुछ दिमाग लगाने पे। बुआ के लड़के भी आ गए भाई बाहर। अर्जुन भाई को राम राम, मौसी को राम राम, राम राम। कंपनी गया हैं? कंपनी गया। आज मेरे को सपना आया था कल रात को कि अर्जुन भाई आने वाले हैं। हम जाता भी सही बता। हम नहीं जाता। अर्जुन भाई के पैर छू लो यार। ये कह रहा जितना खुदा देता है जितना हम खा सकते हैं। सही बात। बुग्गो पागल चाचा इधर, मैं पागल चाचा हूँ। ये मेरे वीडियो देखता बोलता पागल चाचा, पागल चाचा बोलता ना, मैं पागल हूँ। हैं? हाँ पीछे पागल है, ये पागल है। तुम ही लोग झूठ बोलते रहते हो, ये मुझे पागल बोलता है। परनानी है ना मेरी दादी, परनानी भी हैं और परदादी भी हैं, है ना। भाई हमारे घर पे आज हमारी चाची जी आई हैं, सुंदर सुंदर सी चाची हमारे घर आ जाती हैं। चाय पी रही है, देख लो पूछा भी नहीं हमें चाय के लिए। हैं तुम चाची थोड़ी ना, तुम तो मम्मी हो। मम्मी है। अच्छा सदा सुहागन रहो। हाँ सुहागन या सुहाग रहे, सदा सुहाग। और ये हमारे राजेश चाचा हैं, ये नीरज चाचा भाई बन गया दोस्त है ये तो। आजा, पता नहीं राजेश आज मेरे घर पे क्यों आ गया। फिर बोला ठंड लग रही है। राजेश क्या छुट्टी हो गई क्योंकि हमारे एरिया में लाइट गई हुई है और हमारा काम लाइट का है तो छुट्टी है। राजेश हमारे घर पे आ गया, घूमेंगे फिरेंगे मजे लेंगे। जूते पहन लो
इतनी चिंता क्यों कर रहा है तू मेरी, प्यार करता है क्या? बस पहन ले जूते, ठंड लगेगी। राजेश यार हमारे घर पे जो मोहिनी थी ना खरगोश, हमारा मर गया यार। अरे बिल्ली खा गई यार। बिल्ली खा गई? बिल्ली ने दबोच लिया। ऊपर से कहां से आ गई? अरे पता नहीं, नीचे से गेट से आई होगी, गेट खुला छूट गया था। चलो भाई दोस्त के लिए चाय ले चलते हैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरे प्यारे देशवासियों लो चाय पियो। मैं नहीं पीऊंगा, रोटी खा ले। भाई दारू पिएगा क्या, चाय नहीं पिएगा? तो भाई हम घूम रहे थे यहाँ पे, वो बुग्गू भाई आवारा कुत्ता हो गया, बट कहीं पे भी घूमता रहता है ये, लावारिस हो गया। कितनी दूर आया देखो, वो मकान है ना, वो बिल्डिंग है, वहाँ हम रहते हैं, और देखो यहाँ घूम रहा है ये, 1 किलोमीटर दूर। भाग जा घर, जा घर, जा घर, जा। बुग्गू भाई देख लो भाई, जो मेरे पुराने ब्लॉग देखता था उनको पता होगा, जहाँ हम रहते थे ना वहीं का गली का कुत्ता ये। घर जा बेटा घर जा। भाई मैंने इसको बुग्गू बोल दिया, हमारे साथ साथ आने लग गए, हम लोग भी निकल गए कहीं घूमने, पता नहीं कहाँ। और भाई घूमते घामते घर से 3.5 किलोमीटर, कितना 3 किलोमीटर लगा ले, 3 किलोमीटर दूर हम आ गए अपने पास के रेलवे स्टेशन, मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन। और यहाँ एक दो रील बनाएंगे, बढ़ जाएंगे, 1 मिलियन हो जाएंगे आज तेरे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू तो बोल दे। बढ़ जाएगी तब बोलूँगा, वाइब नहीं बोलूँगा कुछ मैं। हमारी कॉलोनी के पास एक बाबा है, ये जहाँ पे मैं आया हूँ मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन के पास, ये भाई चाहे ठंडो चाहे गर्मी इनका घर यही है, यहीं रहते हैं ये, यहीं पे बिछाते हैं, सब कुछ करते हैं, खाना बनाते हैं, और भाई ठंड में पता नहीं कैसे रह लेते हैं, मैं तो सोच के हैरान हूँ। अभी अभी उन बाबा से पूछा मैंने, सही है भाई। जाते जाते भाई अब हम बनवा रहे हैं भाई से बिना मिर्च की चाउमीन, और फ़ोन में बैटरी बची है 1%, तो फ़ोन कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, तो अब मिलेंगे सीधा घर पे। भाई घर पे आ गया था, और अभी मैं तैयार हो गया हूँ, एकदम नहाया नहीं हूँ कुछ भी, ऐसे मुँह हाथ धो के, और अब जा रहा हूँ मैं अपनी बहन के, जहाँ मेरी बहन ट्यूशन पढ़ती है, उनके सर हैं वो, उनकी शादी की पार्टी है, 40-50 दिन हो गए शादी को, तो उनकी पार्टी है, मैं बहन के संग जा रहा हूँ, छोटी बहन कोमल जा रही है और काजल भी जा रही है। बाय बाय मम्मी जान। बाय बाय बेटा। मम्मी का आशीर्वाद जरूरी है, आशीर्वाद तो दे दिया पर मेरे ना बाल बिगाड़ दिए मम्मी ने सर पे हाथ रख के, और मेरी बहन तो आगे निकल गई। और वैसे मैं पार्टी में जाता नहीं, पर मैं पता किस लिए जा रहा हूँ, मैं खाली इसलिए जा रहा हूँ, मेरा ना पनीर चावल खाने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए शादी का खाना नहीं खाया, मेरी बहन आगे निकल गई। सर नमस्ते, बधाई हो। शादी वाले घर में आ चुके हैं, ये देखो भाई काजल का मेकअप, कोमल का मेकअप, काजल की सहेली का मेकअप, आंटी भी हीरोइन बन के आई है। और चलो भाई खाना वाना खाते हैं और निकलते हैं। आए भाई खाना खाने का टाइम आ गया, और डीजे पे चल रहे हैं पहाड़ी गाना, ये लोग डांस करने के लिए भी बोल रहे हैं, तू भी करेगी? सुंदर भी लग रही है गर्ल, भी लग रही है कोमल, भी लग रही है सबसे ज्यादा लग रही है। दो पत्तल चौमिन अपने घर के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, सबके लिए, और गाजर का हलवा भी। मम्मी इसको पकड़ा रहा हूँ, पकड़ी नहीं रही भाई, पता नहीं इसको किस चीज की शर्म है, पता नहीं कौन सी बड़ी सेलिब्रिटी है, किस बात की शर्म है? शर्म आती है जहाँ कोई इशारे वहाँ शर्म का समझ में भी आता है। सुंदर लग रही पर ब्लैक कोट, इससे बड़ा तो कोट ही है पूरा। 5 रुपए चौमिन, 5 रुपए चौमिन, 1 पत्तल 5 रुपए। आओ जी आओ जी आओ बहन जी, पैसे खाते में नहीं। हम चौमिन आपको एंड टू एंड दे रहे हैं, आप पैसे भी हमें एंड टू एंड दो। ये देखो भाई कॉफी पीते हुए जाया जा रहा है, और काजल बेचारी हलवा लेके जा रही है छुपा के, चोरी करके हलवा छो दिखा रहा।
खाओ पियो लो भाई देखो मेरे हाथ में कितने सारे पत्थर है। दो प्लेट चाउमीन और गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तीन तीन बार जाके लिया है मैंने अपनी वाइफ के मम्मी के लिए पापा के लिए। भाई मैं कुछ भी होता हूँ ना बाहर कुछ भी खाता हूँ मैं घर वालों के लिए ज़रूर लाता हूँ। मैं पहले भी था छोटा था ना बच्चा जब कहीं शादी में जाता था ना छुपा छुपा के लड्डू वगैरह बहुत चीज़ें घर के लिए ले आता था। बाकी मैं मेरे को वहाँ पे कम लोग जानते थे तो मैंने डांस वांस कुछ नहीं किया और मैं खाली डांस वहीं करता हूँ जहाँ लड़के होते हैं और लड़कों में भी सिर्फ अपने चार पाँच जिगरी दोस्त होते हैं बचपन के वो हम अगर हम साथ हुए ना तो फिर डीजे पे कोई और दिखेगा ही नहीं भाई ऐसा पागल वाला डांस करते हैं ना हम ना डांस ही होता है वो ना कुछ होता है इतनी पागलपंती होती है लोग हंसते हंसते पागल हो जाते बोलते हैं भाई इन्होंने दारू भी रखी है ऐसा डांस करते हैं हम। पर चलो कोई ना घर आ गए और मेरी वाइफ गुस्सा ना करे बस। मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लाया हूँ रुक जाओ कृपया लोगों से दूर रखें बड़ी मुश्किल से लाए तीन चार चार बार लेके ठीक मम्मी बड़े तो शर्म फैमिली के लिए कोई शर्म नहीं। लो चौमिन और ये चौमिन गाजर का हलवा खाओ मस्त आराम से मजे से और मौज लो। चल कोमल कोई कोमल तो पकड़ो ना आ रही है मेरे को शर्म आ रही है देखो खाना खा के आया हूँ और बताओ पार्टी में क्या और बोल रही है खाना खा लो। चलो भाई लेटने का समय हो गया और जा रहा हूँ लेटने और भाई सच बता रहा हूँ मोहिनी की बहुत याद आ रही है मेरे को। जब भी भाई खाली बैठता हूँ ना तो याद आती है। अभी देखो रात को ना हमारे घर इस वाले रूम में रहती थी मोहिनी कभी बेड पे चढ़ती थी कभी सब्जी खाती थी और मेरी वाइफ भी धनिया वनिया दे देती थी उसको और भाई ये अभी दिख ही नहीं रही। मम्मी ना रात को पकड़ने आती थी उसको बंद करने के लिए और भाई बहुत परेशान करती थी यार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निकलते चलते परेशान करके रख देती थी मेरी वाइफ को। स्पेशली सब्जी काटती थी तो शाम पास में रहती थी और भाई आटा वाटा जब भी मारती थी ना मेरी वाइफ कमरे में नचाओ उतराते हैं कमरे में ही आती रहती थी। पर यार वो बेचारी को बिल्ली ने चपेट दिया यार भाई जब बिल्ली से उसकी लड़ाई हो रही थी ना इतनी लड़ी मोहिनी भाई इतनी कोशिश करी भाई उसने यार भाई बिल्ली से लड़ रही थी ना जब मैं गया था तो बिल्ली के मैंने तो पहले एक थप्पड़ मारा बहुत तेज सीधा वहाँ से छूटी और डायरेक्ट मेरे कमरे में आ गई और बैठ के नीचे बैठ गया कप कप आती। और एक गलती ये भी थी ना जब बिल्ली की उससे लड़ाई हो रही थी ना मोहिनी की तो दोनों गेट बंद थे दोनों कमरे के क्योंकि ठंड का टाइम है तो हम गेट ही बंद रखते हैं। मोहिनी यार भाई मोहिनी ने ना कोशिश करी होगी जरूर भागने की कैसे भी कमरा खुला मिल जाए तो भाग आती वो पर भाई अफसोस यार कमरा खुला नहीं था ना वो भाग पाई और बिल्ली ने भारी चपेट लिया उसको यार। ऊपर से हमारी गलती है जैसे ना कल झपेटा था उसको तो मैं कल ही कुछ दवाई या इंजेक्शन लगवाना चाहिए था मैं सोच रहा था आज लगवा लूँगा जाके पर वही है यार इतने में मरी गई यार। मम्मी उम्मी सब मिस कर रहे हैं भाई। चलो भाई कोई ना छोड़ो जो गया सो गया अब क्या कर सकते हैं हम तो बस वही है इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाकी यार मोहिनी की आत्मा जहाँ भी हो बस ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई मिलते हैं सीधा अगले ब्लॉग में ज़्यादा इमोशनल नहीं करूँगा आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब जा रहा हूँ मैं ब्लॉग एडिट करने बाय बाय कल संडे है।